में। और अब हम चलते हैं नवम स्कंद सूर्य वंश की ओर, हमारे रामचंद्र जी के जन्म की ओर। देखिए, ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ, फिर भी तुझको खोज लूंगी क्योंकि मैं अटल विश्वास हूँ, क्योंकि मैं अटल विश्वास हूँ। इसी विश्वास के साथ हम आज ठाकुर का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नवम स्कंद सूर्यवंश में हम प्रवेश करें। नवम स्कंद में सूर्यवंश का मंगल में वर्णन है। बस थोड़ा सा सूर्यवंश का वर्णन करते हुए, नवम स्कंद को प्रणाम करते हुए आगे हमारे ठाकुर का स्वागत करने की हम तैयारी करेंगे। व्यास जी भी शायद आज हमारी तरह जल्दी में रहे होंगे, जो एक श्लोक में ही उन्होंने सूर्यवंश की व्याख्या कर दी। गुरुवर थे मैं तो आदि राम कथा उन्होंने कह दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ जी। इस वंश में सभी राजा परम आदरणीय पूजनीय थे। एक एक राजा पर अलग अलग शास्त्र लिखा जा सकता है। भागीरथी, हरिश्चंद्र, दिलीप सगर श्री अद्भुत राजा हुए। हरिश्चंद्र ने तो विश्वामित्र को स्वप्न में दिए गए राज्य को भी दान कर दिया। ऐसे राजा की क्या बात है। श्री ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दान में दे दिए, और उसकी रक्षा, शरणागत की रक्षा की है। ऐसे राजा की भी भाई क्या बात है। देवताओं की प्रार्थना पर साक्षात परम भ्रम श्री हरि ने अपने अंश में चार रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र के रूप में यहाँ पर आए हैं। हम सब भी ठाकुर के दर्शन के साथ प्रगट भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के साथ इस भजन को चलते हैं इस पद की ओर। भय प्रगट कृपाला दीन दया
जब ये युवा हुए तो विश्वामित्र जी ने अपने विश्व शांति यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए तो दशरथ रोने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मैं यज्ञ में क्रोध नहीं कर सकता, अतः राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। धीरज बंधाया और प्रभु ने वहां अनेक राक्षसों का वध किया है। सर्वप्रथम ताड़का आसुरी राक्षसी का वध किया, आगे चलकर मारीच को हल्का तीर मारा, आगे चलकर सुभाउ का उद्धार किया, उसके आगे चलकर गौतम और अहिल्या की कुटिया आई, जहां पाषाण रूप में बैठी हुई अहिल्या को नारायण के रूप में रज प्रदान की है, वह राम के रूप में अहिल्या को रज अहिल्या की रज ली है, क्योंकि अहिल्या ऋषि की पत्नी है और राम क्षत्रिय हैं। अहिल्या ऋषि की पत्नी है और राम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने के कारण ऋषि की पत्नी के माथे पर पैर नहीं लगा सकते, अतः विष्णु रूप में तो माटी दी है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्षत्रिय के रूप में माटी लेकर माथे से लगाई है। गौतम व अहिल्या के शोक को समाप्त कर जनकपुर धाम में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र का तो अद्भुत स्वागत हुआ, लेकिन राम व लखन जी का सामान्य स्वागत हुआ। तो सनातन ने रामचरित्र गान के द्वारा मद भावना से श्री जनक को बताया है, जिससे उन्होंने भी राम जी व लखन जी का अद्भुत स्वागत किया है। एक दिन पूछा विश्वामित्र ने कि हे जनक, आप खुश नहीं दिख रहे, क्या बात है? जनक ने कहा, मेरे यहाँ एक बार अकाल पड़ा तो मुझे खेत में हल चलाने को कहा था। मैंने हल चलाया तो एक जगह खेत में हल की नोक धरती पर अटक गई। वहाँ देखा तो एक कन्या थी। हल की नोक को सीतू कहते हैं, तो मैंने उसका नाम सीता रख दिया। ये सीता बड़ी ही अद्भुत कन्या है। ऋषिवर, मेरे यहाँ शिव का प्रसाद शिव पिनाक रखा है और वह इतना भारी है कि उसकी मंजूषा के टंकन को खोलने के लिए 5,000 योद्धाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हम शिव पिनाक की पूजा ऊपर ही ऊपर से कर देते हैं। लेकिन एक दिन सुनैना ऋतुमती थी तो सीता को आज्ञा दी कि वह इस शिव पिनाक की सेवा करे। तो सीता ने देखा बहुत दिनों से पुष्प उस पर चढ़े हुए थे। शिव पिनाक की सफाई का हृदय में ध्यान आते ही सीता ने बड़े आराम से एक हाथ से उस शिव पिनाक को उठा लिया। ये सब देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और जोश में मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जो वीर पुरुष इस शिव पिनाक की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। पर लगता है ये धरती पुरुषों से विहीन हो गई है, कोई इसको आज तक हिला भी नहीं पाया है। स्वयंवर का वर्णन मानस में आता है। ध्यान दीजिए, मैंने कल कहा था मैं वाल्मीकि रामायण से ले रही हूँ। स्वयंवर का वर्णन मानस में आता है और मानस का अपना एक प्रभाव है और वाल्मीकि रामायण का अपना एक प्रभाव है। विश्वामित्र ने कहा, धनुष राम को दिखाओ। तो जनक कहते हैं, अंदर आओ, दरबार में रखा है। तो लखन जी कहते हैं, नहीं नहीं, राम भैया दरबार में नहीं आएंगे, लाना है तो धनुष को यहाँ लाओ। 25,000 योद्धा शिव पिनाक की मंजूषा को खींचते लाते थे और जब तक खींचते तो कड़कड़ गड़कड़ गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ पूरा जनक धाम चहक पड़ा था और शिव पिनाक को खींचते हुए वो अपने महल की ओर लेकर आ रहे थे। बड़े बड़े दुकानदार अपनी दुकान को छोड़कर आ गए, बड़े बड़े विद्यार्थी अपने विद्यालय को छोड़कर आ गए, बड़े बड़े बैंकर अपनी बैंकों को छोड़कर आ गए, माताएं अपने बच्चों को दूध पीता हुआ छोड़कर आ गईं, बड़ी भारी मात्रा में महल पर लोग इकट्ठे हो गए। ऊंचे मंच पर जाकर उस शिव धनुष को रखा गया। सब सोचते थे कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन इसे उठाएगा। तभी देखा पीछे वाले द्वार से रघुनाथ आ रहे थे, पीछे वाले द्वार से रघुनाथ आ रहे थे। अति कोमल, अति कोमल नाजुक बालक को देखकर हुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोग अपने आप में दया के भाव से बातें करने लगे कि कन्या के पिता की यही हालत होती है। कन्या का बड़ा होता देखकर पिता की बुद्धि का संतुलन डगमगा जाता है। कहां ब्रज वज्र जैसा धनुष
और कहां ये सुकोमल सुकुमार कोमल। लेकिन जैसे ही धनुष को राम जी ने हाथ लगाया, वैसे ही धनुष स्वयं ही इस प्रकार से धराशायी हो गया जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल के फूल को तोड़ लेता है। उसी प्रकार अपने सामने पड़े धनुष को राम जी ने उठा लिया और धनुष की नोक को भूमि पर रखा और प्रत्यंचा का रोपण कर ही रहे थे कि प्रिया जी के मिलन के उत्साह में इतना ज्यादा जोर ऐसा लगा कि धनुष दबने की जगह टूट कर राम जी के चरणों में। दूसरे दरवाजे से जानकी जी सहस्त्र कमल लिए हुए कमल नयन के रूप में प्रकट हुई हैं। राम जी सामने तने हुए खड़े हो गए। सीता जी के हाथ में वरमाला थी, लेकिन आज राम जी को किसी ने कह दिया था झुकियो मत, नहीं तो ता जिंदगी झुकियो ही रह जाएगो। आज राम जी तने हुए हैं, पहले दिन झुकियो नहीं कि पूरी जिंदगी झुको को झुको ही रह जाएगो, ये सोचकर राम जी और तन रहे हैं। राम जी तने हुए खड़े हैं और इधर हमारी जानकी जी हाथ में वरमाला लिए हुए लज्जित भाव से खड़ी हैं। उसी समय लखन जी को जानकी जी पर दया आई। अरे स्वयं कमल सी नाजुक उनके हाथों में कमलों की माला लिए भाभी खड़ी है, बहुत श्रम हो रहा होगा मेरी भाभी को। भैया आज इतना कठोर कैसे हो गया कि भाभी पर जया भी दया नहीं आ रही। लखन जी अपने सिंहासन से उठे और जोर से बोले, भैया तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। आज आपके द्वारा किए हुए कृत्य के सामने हमारे परदादा दादा पितृलोक से अपने आशीर्वादों की बरसात कर रहे होंगे। आज महाराज दशरथ के दंभ की सीमा नहीं रही होगी। जय हो जय हो जय हो करते हुए लखनलाल जी राम जी के चरणों में गिर पड़े हैं। छोटे भाई को चरणों में गिरा देखकर राम जी जैसे ही उठाने के लिए झुके, सीता जी ने सोचा ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। उन्होंने झट से राम जी के गले में माला डाल दी है और राम जी और जानकी जी का बड़ा मंगलमय विवाह हुआ है। बोलिए सिया रामचंद्र की। चारों भाइयों का आज चारों बहनों के साथ बड़ा मंगलमय विवाह हुआ। जब वापस लौटे तो रास्ते में परशुराम मिले, ये वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। परशुराम की जनकपुरी पहुँचे नहीं हैं वाल्मीकि रामायण में, मानस में पहुँचे हैं। तो महाराज लौटते समय परशुराम जी मिले हैं, क्योंकि परशुराम जी का भी एक धनुष है और उस धनुष को भी तोड़कर धनुष बंजन लीला राम जी ने अवध वासियों को दिखाई है और जनकपुरी की धनुष बंजन लीला जनकपुरी वासियों को दिखाई है। बड़े मंगलमय भाव से श्री परशुराम जी आज तीनों राम एक साथ खड़े हैं। कौन कौन से? श्री राम, परशुराम और तीसरे वापिस से श्री राम, परशुराम और तीसरे लखनलाल जी कौन है? बलराम। तीनों राम आज एक साथ खड़े हैं, श्री राम, परशुराम, बलराम। लखनलाल जी बलराम के ही रूप हैं। श्री वशिष्ठ के से राज्याभिषेक की चर्चा हुई। वशिष्ठ जी ने साफ मना कर दिया कि 14 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। दशरथ जी की लोलुपता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने प्रार्थना की कि कोई छोटा मोटा मुहूर्त तो होगा, वही मुहूर्त निकाल दो। गुरुदेव ने ध्यान से देखा तो एक बिल्कुल 2 दिन बाद छोटा सा मुहूर्त था, लेकिन कह दिया बिना हो हल्ला के ये मुहूर्त होना चाहिए, ये राज्याभिषेक राम का बिना हो हल्ला के करना। लेकिन दशरथ जी ने सोचा बिना हो हल्ला के कैसे काम चलेगा, लो थोड़ा सा नगाड़ा तो बजवा ही दूं दरवाजे पे। दरवाजे पे नगाड़ा क्या बजा, मंत्र की खोपड़ी घूम गई और मंत्र ने जाके माता केकई की खोपड़ी घुमा दी और माता केकई ने दशरथ से वरदान मांग लिया कि भरत को सिंहासन मिले और राम को वनवास मिले, राम को वनवास मिले। दशरथ रो पड़े, पैरों में गिर पड़े, पर केकई नहीं मानी। आज अवध पर माताओं का राज हो गया। केकई अम्बा के कहने से श्री राम वन को गए हैं, कौशल्या अम्बा के कहने से जानकी जी वन को गई हैं और सुमित्रा जी के कहने से लखनलाल जी वन की ओर चल दिए हैं।
पहले तो अवधवासी साथ चले, पर रास्ते में सो गए। जो सोवत है सो खोवत है, राम जी मंत्रियों जी को समझा कर आगे चले हैं। फिर निषाद पर कृपा करी, केवट पर कृपा करी, भारद्वाज जी से मंगल में मिलन किया है। चित्रकूट में जाकर कुटिया बनाई, भरत जी से बढ़िया मिलाप हुआ और भरत जी को पादुकाएं प्रदान की। दंडकारण्य में जटायु जी के साथ मिलकर लखन जी ने राम जी के लिए सुंदर कुटिया बनाई। श्री राम जी व सीता जी वहां विराजमान हुए। सुरपंखा आई, लखन लाल जी ने उसके नाक कान काट कर उसे भेज दिया। मारीच स्वर्ण रूप में मृग बनकर आया, राम जी उसके पीछे गए। राम जी की आवाज सुनकर लक्ष्मण भी उनके पीछे गए। रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर आया, जानकी का अपहरण करके वो वहां से उसे ले गया। रास्ते में आभूषणों को लुटाती जानकी को अशोक वाटिका में विराजित किया। रघुनाथ लौटे, उजड़ी वाटिका मिली, दौड़े तो जटायु मिले। जटायु की अंत्येष्टि की, वनवन भटके, शबरी पर कृपा करी और हनुमंत लाल से मुलाकात की। मैं एक निवेदन करना चाहूँगी, क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर बच्चे को, हमारे लाला को, हमारे कृष्ण को अपन पीछे सजाते तो सबका ध्यान इधर आकर्षित नहीं होता, थोड़ा सा, क्योंकि सबका ध्यान इधर ही आकर्षित हो रहा है। अपन बच्चे को थोड़ा सा, हमारे लाला आएंगे और इनको, हमारे लाला को थोड़ा चुपचाप तैयार करें। अभी से हमारे लाला की सारी छवि दिख जाएगी सबको तो वो उत्साह भी हमें नहीं रहेगा। हमारे लाला को वहाँ जगह है ताकि सबका ध्यान इधर बना रहे। थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो कथा में वो प्रवाह नहीं आ पाता है। क्षमा प्रार्थी हूँ पुनः। जी धन्यवाद। रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर आया और जानकी का अपहरण करके वहां से ले गया। रास्ते में आभूषणों को लुटाती जानकी को अशोक वाटिका में विराजित कर दिया। रघुनाथ लौटे, उजड़ी वाटिका मिली, दौड़े तो जटायु मिले। जटायु की अंत्येष्टि की, वनवन भटके, शबरी पर कृपा करी, श्री हनुमंत लाल से मुलाकात की। हनुमंत जी ने सुग्रीव से दोस्ती कराई, सुग्रीव ने बाली से युद्ध करके विजय प्राप्त की। बारिश के 4 महीने तक सुग्रीव नहीं आया तो लखन लाल ने सुग्रीव को पाठ पढ़ाया और फिर सभी ने टीम बनाई। राम जी ने चुपचाप अपनी मुद्रिका हनुमंत जी को दी। इधर अंगद ने सोचा, खाली हाथ जाने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। संपत्ति ने सुना कि कोई मर रहा है तो कहा, मेरे पास आके मर जाओ, मेरा उदर भर जाएगा। अंगद ने सोचा, मरा अभी मैं हूं नहीं, उससे पहले मेरे मरने की व्यवस्था हो रही है, मेरी अंत्येष्टि की तैयारी चल रही है। संपत्ति से पूछा, संपत्ति ने बता दिया कि 100 योजन दूर समुद्र के उस पार लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं। कौन जाएगा? तो एक कहता मैं 10 योजन जा सकता हूँ, तो कोई कहता मैं 20 योजन जा सकता हूँ, तो तीसरा कहता मैं 40 योजन जा सकता हूँ। अंगद जी बोले, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आऊँ इसका मुझे पता नहीं है। जामवंती बोले, जो जा नहीं सकते वो हो हल्ला कर रहे हैं और जो जा सकता है वो चुपचाप बैठा है, वो बोल नहीं रहा है। हनुमान जी उठो, आप जाओ। और हनुमान जी को तैयार किया है जामवंत जी ने, उनका बल उन्हें याद दिलाया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लाल देह लाल देव दानो दलन, जय 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 कपिसो। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा थारी, जय हो जी।
जय हो जय हो जय हो पवन कुमार बारी जाऊं बाला दिलदारी 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 जय हो पवन कुमार बारी जाऊं बाला हनुमान जी महाराज सुनाई नहीं आया। पवन पुत्र है वो, अभी भी यहाँ कहीं है ही है, वो यहाँ विराजमान है। वो सबसे पहले वही आते हैं हर जगह, आप उनको हटा ही नहीं सकते। बोलिए वापिस से, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जामवन जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, बल का प्रबोध करवाया, तो हनुमान जी ने जोर की हुक्कार भरते, छलांग लगाते समुद्र की ओर चले। रास्ते में सुरसा को तृप्त किया, मैना के ऊपर हाथ फेरा, लंकनी को थप्पड़ मारा और फिर उसका उद्धार किया, लंका में प्रवेश किया। सब जगह जाकर विचार करते हैं कि कौन स्त्री ऐसी हो सकती है जो मेरे राम जी की बगल में बैठ सकती है। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने एक एक स्त्री का अवलोकन किया कि मेरी मैया कौन हो सकती है, मेरे राम की पत्नी कौन हो सकती है। एक बार तो मंदोदरी को देखकर भी चौंक गए हनुमान जी कि कहीं ये तो नहीं, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी तो हंस रही थी। हनुमान जी समझ गए मेरे प्रभु राम की विरणी हंस नहीं सकती। आगे चले, एक एक स्त्री को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो एक बार तो घबरा कर वापस जाने का कार्यक्रम बनाया, फिर विचार आया, फिर याद आया, हाँ अशोक वाटिका। हनुमान जी अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे बैठी सीता मैया को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी शंका के कारण उस पेड़ पर बैठकर राम कथा गाई है, रोए हैं, आंसू बहे हैं, और जब आंसू बहे तो नीचे आंसू गिरे हैं, तो जानकी जी ने आवाज लगाई है, नीचे आ जाओ मैं पहचान गई। हनुमान जी ने पूछा, मैया आपने मुझे कैसे पहचाना? तो मैया ने कहा, राम कथा तो हर कोई सुना सकता है, लेकिन राम कथा कहते हुए आंसू केवल राम के भक्त के ही आ सकते हैं, केवल राम के भक्त के ही आते हैं। बड़ा मंगलमय मिलन हुआ है, मुद्रिका और चूड़ामणि एक्सचेंज हुई हैं। आगे अशोक वाटिका उजाड़ डाली, मेघनाथ के पास में स्वयं इच्छा से बनकर रावण के पास पहुँच गए। यहीं पर विभीषण से मुलाकात हुई है। विभीषण दूर से देख रहा था, ये बंदर बड़ा अद्भुत है। विभीषण दूर से देख रहा था, ये बंदर बड़ा अद्भुत है। बंदर होना चाहिए परम पवित्र, लेकिन ये बंदर होना चाहिए अपवित्र, लेकिन ये बड़ा पवित्र है। बंदर होना चाहिए कामी, लेकिन ये तो परम ब्रह्मचारी है। बंदर होना चाहिए मूर्ख, लेकिन ये तो परम ज्ञानी है। बंदर होना चाहिए बड़ा धूर्त, लेकिन ये तो बड़ा सिद्धि है। बंदर होना चाहिए महाचंचल, लेकिन ये तो बड़ा शांत है। वृंदावन में जाकर देखो, पता चलेगा बंदर कैसे हैं। तुम्हारे बटवे तक छीन लेते हैं, और जब उस बटवे में ये 10-10 के नोट दिखते ना, तो तुम्हारे मुंडे पे मारते हैं कि इतना कंजूस वृंदावन में कर क्या रहा है। वृंदावन में तो हमारे बंदर भी भगवान के भक्त हैं। तो हे विभीषण, हे ब्राह्मण, आंखों ही आंखों में ठाकुर ने इशारा कर दिया है कि हनुमान जी ने आंखों ही आंखों में विभीषण से कहा, हे विभीषण, हे ब्राह्मण, देख ले, राम की शरण में जाकर एक बंदर ये सब हो सकता है, तो तू तो एक ब्राह्मण है, तो तू फिर क्या नहीं हो सकता। आंखों ही आंखों में बात कह डाली है। रावण भी हनुमान जी को देख कर बोला, हे बंदर, अरे तू कौन है, कहाँ से आया है? मैं कौन हूँ? हनुमान जी सिर खुजाते हैं, मैं कौन हूँ? अगर पूछ लेता कि राम जी कौन है, तो मैं अभी इसको उसका भक्त बना देता, लेकिन ये पूछता है मैं कौन हूँ, लेकिन अगर पूछ लेता कि राम जी कौन है, तो अभी यहीं पोथी खुलवा देता, लेकिन ये तो पूछ रहा है मैं कौन हूँ। हनुमान जी जैसे चक्कर में फंस गए, तो सीता जी की चूड़ामणि में ध्यान से उन्हें देखा, तो जानकी का आह्वान हुआ, पूछा,
मैया ये दुष्ट पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। जानकी ने भी सिर पर हाथ फेर कर कहा, अरे अभी अभी तो मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई थी, अभी अभी तो मेरी और तुम्हारी बात हुई थी जब मैं सिंदूर लगा रही थी और सिंदूर की एक बूंद एक टपका तुम्हारे ऊपर गिर गया था। तब तुमने मुझसे पूछा था कि मैया ये तुम क्या लगा रही हो, तब मैंने कहा था ये मेरा सुहाग चिन्ह है, तो राम जी मेरे स्वामी हैं ना, इसलिए मैं उनका सुहाग चिन्ह लगाती हूँ। तो हनुमंत तुमने ही तो कहा था कि राम जी तो मेरे भी स्वामी हैं, और तुमने पूरा का पूरा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिया था और तुम पूरे लाल हो गए थे। तो लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। अभी तो बात हुई थी, भूल गए? एकदम से मैया की प्रेरणा से हनुमान जी लंका के भरे दरबार में गर्जना कर दी, हे रावण मैं राम का दास हूँ। तो रावण ने कहा, तू दास है, तू नौकर है, मैंने तो तुझे राजा समझा था। तब हनुमान ने कहा, हे रावण तू अपने ऊपर से नीचे तक नजर उठा कर देख, तू काम का दास, तू नाम का दास, तू धाम का दास और तू दाम का दास, और मैं केवल श्री राम का दास, और मैं इन सबका स्वामी हूँ जिस जिसका तू दास है। अब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने भी रावण की मूंछ में आग लगा दी। पूरी स्वर्ण की लंका को कुंदन की लंका बनाकर वहां से निकले हैं। सब हनुमान जी की जय जयकार करके पूछ रहे हैं, भाई हनुमान जी नहीं आए राम जी से मिलने, जिनकी वाह वाह करते हैं, थोड़ा पता तो लगाओ कि वो कहाँ गया है। हनुमान जी अपने राम जी के पास आने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन राम जी के पास आते नहीं हैं। हनुमान जी सीता जी की चूड़ामणि को लेकर आज आ गए हैं। सभी बंदर आपस में बातें कर रहे हैं कि वह है कहाँ जो 100 योजन समुद्र को पार करके आया है, लंका को जला कर आया है, सीता मैया का पता लगा कर आया है, कहाँ है वो हनुमान, कहाँ है वो हनुमान। इधर राम जी एक शिला के ऊपर बैठे थे, थोड़ी सी उनके पैरों में खाद चली तो उनके पास एक बाल आया, उस बाल को जैसे ही उनने पकड़ा तो वो हमारे हनुमान जी की पूंछ का बाल था। तो देखा और पूछा, अरे हनुमान जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शिला के पीछे छुपके छुपे हुए क्यों बैठे हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मुझ मूर्ख बंदर की तारीफ कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या तारीफ, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जाते समय जो कुछ किया है इस मुद्रिका ने किया है, और आते समय जो कुछ किया है वो सीता मैया की चूड़ामणि ने किया है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये मुद्रिका चूड़ामणि आपस की बातों में मुझ मूर्ख बंदर को क्यों फंसाते हो? मैंने 100 योजन समुद्र लांग लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो राम की कृपा से वैसे ही हो जाता, मैं बड़ी बात तो वो है कि मैंने लंका के विषय के समुद्र को लांग लिया, और लंका का विषय का समुद्र राम की कृपा के बिना और कोई नहीं लांग सकता, और कोई नहीं लांग सकता। हनुमान जी ने एक एक स्त्री को बड़ी गहराई से देखा है, उनका अवलोकन किया है कि जानकी जी कौन हो सकती हैं। लंका की एक एक स्त्री का इस प्रकार अवलोकन कि अगर कोई वैरागियों और भी कोई करता या वैरागी भी करते तो उनके मन में भी काम उत्पन्न हो जाता, लेकिन हनुमंत एक सिद्ध महापुरुष हैं। इधर श्री राम जी सेना लेकर पहुँचे हैं, समुद्र को मनाया है, नल और नील ने पत्थर डालकर पुल बनाया है और युद्ध प्रारंभ हुआ है। लखन लाल जी को शक्ति बाण लगा है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए हैं, भयंकर युद्ध हुआ है। अंत में आदित्य स्त्रोत का पाठ करते हुए रावण के अमृत कुंड का भेद कर रावण का वध किया है। सिया जी व राम जी का अद्भुत मिलन हुआ है, पुष्पक विमान में बैठकर आए हैं तो रास्ते में पुनः केवट पर कृपा करी है और भरत जी से मिलन हुआ है। भरत जी ने अब कहा, आप राज्य संभालो भैया। राम जी ने कहा, मैं नहीं संभाल सकता, पिता की आज्ञा से अब तुम ही इस राज्य को संभालो, पिता की आज्ञा से बड़ा और क्या हो सकता है। तो फिर एक नई परंपरा शुरू हो गई, अगर कोई राजा किसी को राजा बनाता है तो उसे बनना ही पड़ेगा। पिताजी ने मुझे
राजा बनाया, अब मैं आपको राजा बनाता हूँ। भैया आप आज से इस अयोध्या नगरी के राजा बने। जिस बात में विवाद उसका त्याग, भरत जी ने राम जी को राज्य सौंपा। श्री राम जानकी सिंहासन पर बैठे, तीनों भैया पीछे हनुमान जी चरणों में, और इस दिव्य दरबार का दर्शन करते हुए हम राम कथा को प्रणाम करते हुए आगे प्रवेश करते। चंद्र आपका धन्यवाद, साधुवाद। इसी आनंद के लिए तो हम यहाँ हैं। अब हम चंद्र दर्शन में जाएं, राम दर्शन से चंद्र दर्शन यानी सूर्य वंश से चंद्र की ओर जाएं। तो बीच में हमारे चंद्रमा जी थोड़े से अटके हुए हैं गले में। क्यों अटके हुए हैं? थोड़ी सी चार पंक्तियों के साथ कि आज चांद ने भगवान राम से शिकायत की है, क्योंकि दीपावली अमावस्या को ही मनाई जाती है। आज चांद का धीरज छूट गया, वह रघुनंदन से रूठ गया। बोला रात को आलोकित हम ही ने करा है, स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पर धरा है। सभी ने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया है, सारे नगर को दुल्हन सा सजाया है। इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया है, बताओ मुझे फिर क्यों नहीं बुलाया है? क्यों तुमने अपना विजय उत्सव अमावस्या को मनाया था? अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते तो आधे अधूरे ही सही, हम शामिल तो हो जाते। मुझे सताते हैं, चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दीपावली अमावस्या को ही मनाते हैं लोग। राम ने कहा, क्यों व्यर्थ में घबराता है? जो कुछ खोता है वही तो कुछ पाता है। जा, तुझे अब लोग ना सताएंगे, जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, आज से सब तेरा मान ही बढ़ाएंगे। जो तुझे जो मुझे राम कहते थे वही आज से रामचंद्र कहकर पुकारेंगे, आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। तो रामचंद्र जी की जय जयकारा के साथ हम चंद्र दर्शन में प्रवेश करें। चंद्र दर्शन में आज हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, तो ठाकुर का स्वागत। कैसे? भक्ति ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, भक्ति ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मेरी मायूस खामोश दुनिया को फिर से हंसा दिया। कर्जदार हूँ मैं अपने ही कृष्ण की, कर्जदार हूँ मैं अपने ही कृष्ण की, जिसने मुझे आप जैसे कृष्ण भक्तों से मिला दिया, जिसने मुझे आप जैसे कृष्ण भक्तों से मिला दिया। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लिया, ताकि पता पड़े कि आप शारीरिक रूप के इसके साथ साथ मानसिक रूप से भी यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि अब हम ठाकुर को बुलाने जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण को तब तक ना लाया जाए जब तक कि मैं ना कहूँ। कृष्ण का जन्म एक बार जेल में होता है, तब हमारे कृष्ण ना आए, क्योंकि वहाँ सब चुपचाप का मामला है। लेकिन जब वो पधारेंगे हमारे यशोदा मैया के पास, तब कृष्ण को लेके आना, ठीक है? राम कथा के पश्चात परीक्षित जी ने सुखदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, अब आप उस कथा को विस्तार से कहो जिस कथा को सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। श्री सुखदेव ने परीक्षित से कहा, अच्छा ठीक है, हे राजन, मैं कृष्ण कथा में प्रवेश कर रहा हूँ। तू चार दिन से यहाँ बैठा है, जा नहा ले, जा थोड़ा खा ले, अपने कपड़े ही बदल ले, थोड़ा आराम कर ले, अपने पत्नी और बच्चों से मिलकर आ जा। परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। प्रभु, मैंने अपने जीवन में इतना पिया है कि समुद्र बन जाए, इतना खाया है कि भंडार भर जाए, इतना पहना है कि बाजार लग जाए, पर इन सब के बाद भी मैं बड़ा अतृप्त था। अब तो जन्म जन्म की प्यास भूख मिट गई, जन्म जन्म का नंगापन अब समाप्त हो गया। आप तो आगे की बात सुनाओ गुरुदेव, आना और जाना तो होता रहेगा। सुखदेव जी खुश हो गए, बोले ऐसी ही बुद्धि चाहिए थी मुझे, क्योंकि अस्थिर कृष्ण को मिलने के लिए स्थिर बुद्धि ही चाहिए, तभी वो अस्थिर कृष्ण हमको मिल सकता है। सीधी बुद्धि से ही टेढ़े कृष्ण को पकड़ सकते हैं, टेढ़ी बुद्धि से कभी कृष्ण पकड़ में नहीं आते हैं। रामलीला की एक अपनी गति है, तो कृष्ण लीला की अपनी एक गति है।
रामलीला महलों से शुरू होकर जंगल की ओर जाती है और कृष्ण लीला जंगल से शुरू होकर महलों की ओर आती है। दोनों की अपनी अपनी गति, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी स्थिति है। अब आप सब अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि मैं अब ठाकुर के पास आपको ले जाने जा रही हूँ। मथुरा का राजा उग्रसेन, उग्रसेन का पुत्र कंस, कंस की चचेरी बहन देवकी और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ सुनिश्चित हुआ। विदाई की वेला आई तो कंस ने स्वयं रथ लिया और सारथी बनकर कहता, मेरी बहन से कोई गलती हो जाए तो इसे कुछ मत कहना, इसे मत डांटना, मुझे डांट लेना, मुझे ही सब कुछ कह लेना, पर इसे कुछ मत कहना। ऐसा जब कहा तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिसे इतना प्यार करता है उसी की आठवीं संतान तेरा वध करेगी। प्रेम का भाव बदल गया, क्रोध से तलवार निकल गई, सिर को धड़ से अलग करने ही वाला था कि वसुदेव ने कंस के पैर पकड़ लिए। इसे मत मारो, इसे मत मारो, तुम्हें तो इनके पुत्रों से खतरा है, मैं तुम्हें हमारे सारे पुत्र ला कर दूंगा। कंस मान गया, उग्रसेन को जेल में डाला और दोनों को बंदी बनाया। देवकी का पहला पुत्र हुआ तो उसे कंस के पास ले जाया गया। बालक को देखकर कंस को प्यार आ गया, वात्सल्य भाव आ गया और कहा, इसे ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे पास तो केवल आठवां पुत्र ही ला कर देना। देवताओं ने नारद जी से कहा, भगवान से जाकर कह दो अपना धरती पर जाना कैंसिल कर दे, दुष्ट के दया आ गई है मन में, अब धरती पर अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा, अभी देखो मैं इसकी असलियत बाहर निकाल कर लाता हूँ, ये सब टेम्परेरी है, अभी देखो दुष्ट की दुष्टता जगा कर आता हूँ। चले नारद जी कंस के पास और कहा, तू कैसा है कंस, मैंने मूर्ख नहीं समझा था तुझे, पर तू तो महामूर्ख निकला। अरे कंस, तूने उस बालक को कैसे छोड़ दिया, ये देखो कमल का फूल, इसकी आठवीं पत्ती कौन सी है ये मुझे बता दो, इधर से गिनो तो ये आठवीं, उधर से गिनो तो वो आठवीं, अपने हाथ को ही देख लो, इसमें पांचवीं उंगली कौन सी है, इधर से गिनो तो छोटी उंगली पांचवीं, इधर से गिनो तो अंगूठा पांचवा है, क्या तुझे पता नहीं कि इसकी आठवीं संतान कौन सी है। तो उसने कहा, हाँ मुझे नहीं पता, तो फिर तू उसे कैसे छोड़ रहा है, दुनिया तो गोल है, कौन सा किधर है कुछ पता नहीं। दुष्ट को समझाने में देर ही कितनी लगती है, वैसे भी दुष्ट की गणित कमजोरी होती है। किताबी गणित और जीवन की गणित में बहुत अंतर है। किताबी गणित का हिसाब बताऊं तो बताओ, एक अध्यापक ने बच्चे से पूछा कि एक बाड़े में 10 भेड़ थी, उसमें से 9 भाग गई तो कितनी बची, एक। लेकिन सारे बच्चे ने उत्तर दिया, केवल एक बालक ने उत्तर नहीं दिया। उससे अध्यापक ने गुस्सा करके पूछा कि तुझे इतना भी नहीं आता कि बाड़े में कितनी भेड़ बची होगी, तो उस बालक ने कहा, मार साहब आपकी किताबी गणित में बची होगी लेकिन मेरे बाड़े में तो एक भी भेड़ नहीं बचेगी, क्योंकि भेड़ चाल सब चलते हैं, एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें जाती हैं। तो दुष्ट की गणित कमजोर होती है, और नारद जी ये बात समझा कर वहाँ से चले गए। कंस ने वसुदेव व देवकी के 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं संतान को ठाकुर ने शंकरशेष रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को बताया कि 7वां गर्भ गिर गया है, अब 8वां आने वाला है, सारे ब्रज का वातावरण अद्भुत हो गया। भाद्र कृष्ण अष्टमी का सुंदर दिवस आकर उपस्थित हो गया। कंस ने बताया कि 7वां गर्भ गिर गया है, अब 8वां आने वाला है, सारे ब्रज का अद्भुत वातावरण हो गया। भाद्र कृष्ण अष्टमी का सुंदर दिवस आ गया, सारे देवता ने देवकी के गर्भ में स्तुति की है। स्तुति करते हुए बोले, हे सत्य रूपी प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अभी नहीं भेजना है। ब्रह्मा जी ने प्रभु से कहा, आओ प्रभु, आओ प्रभु। भगवान ने कहा, मैं आया तो तुम्हारा अभिमान नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मा ने कहा, कर देना प्रभु, पर आ तो जाओ।
इंद्र ने स्तुति की, आओ नारायण आओ नारायण। नारायण ने कहा, मैं आ तो गया पर तेरा अभिमान तोड़ दूंगा। इंद्र ने कहा, तोड़ देना प्रभु, पर एक बार आ तो जाओ। सबकी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान तैयार हो गए। भाद्र कृष्ण अष्टमी का सुंदर दिवस आकर उपस्थित हो गया। सारे ग्रह भी आज शांत हो गए। काल भी आज अति शोभनीय हो गया। प्रकृति के कमल व कुमुद खिल उठे। आसमान में बादल व चंद्रमा लड़ रहे हैं, पहले मैं आगे। बादल कहते, भगवान ने मेघ को ले लिया। कृष्ण श्याम रंग में आ गए, काले रंग में आ रहे हैं, इसलिए हम आगे। चंद्रमा कहते, कृष्ण ने हमसे वादा किया था सूर्यवंश राम जन्म में कि मैं तुम्हारे चंद्रवंश में आके जन्म लूंगा, इसलिए हमारे वंश में आने के कारण आज हम आगे रहेंगे। इन सबके बीच तारे टिमटिमाते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे सलमा सितारा वाला चंद्रमा ही देवकी ने लगाया। चारों ओर धीरे धीरे बारिश हो रही है, अद्भुत वातावरण बन रहा है। उसी बीच रोहिणी नक्षत्र आया यात्री के 12 बजे और 12 बजते ही भारतवर्ष धन्य हो गया और हमारे ठाकुर का जन्म हो गया। कारी रे कारी कोठरी में देखो जन्मा दो पति पाल रे देवगण करनी है।
क्योंकि कंस को अगर पता पड़ जाएगा तो सब मामला बिगड़ जाएगा। वो सुन लेगा तो यहीं ठाकुर जी को पकड़ लेगा, हो हल्ला तो हम गोकुल में जाके मनाएंगे। तो मेरे श्याम का जन्म होने जा रहा है, आप सबकी ताल में चाहूंगी तालियों के द्वारा, क्योंकि जेल में हो चुका जन्म, अब देखिएगा मेरा श्याम क्या है। और आपको पहले समझा दूं कि कैसे श्याम तन श्याम मन श्याम ही है प्राण धन, बस उसके साथ आपकी तालियों की ताल चाहिएगी मुझे रौनक। एक बार आप बोलेंगे, दो बार हर लाइन बोली जाएगी ताकि आपको याद हो। टक टक श्याम तन श्याम मन श्याम ही है प्राण धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही है प्राण धन, श्याम सुख दाम तो भलाई अठो याम है, श्याम सुख दाम तो भलाई अठो याम है, श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिनु नाही जिए, श्याम ही है श्याम जी श्याम बिनु नाही जिए, श्याम ही श्याम जिए श्याम ही श्याम ही है प्राण जिए, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम है प्राण। आंधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, आंधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, उदो तुम भये गोरे उदो तुम भये गोरे, पाती लेके आए दौड़े पाती लेके आए दौड़े, उदो तुम भये गोरे पाती लेके आए दौड़े, उदो तुम भये बोरे पाती लेके आए दौड़, जोग कहाँ राखू यहाँ रोम रोम शाम जी रोम रोम शाम है जी रोम रोम शाम है। बोलिए श्याम सुंदर की जय। हमारा श्याम ऐसा है आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है।